एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। चिड़िया हमेशा झगड़ा किया करती थी और उस पर शक किया करती थी। एक दिन एक पेड़ पर बैठे हुए वे किसी बात पर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़े ने भी उससे कहा कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा करती हो। चिड़िया ने चिड़े से कहा, चलो ठीक है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आएगा मान लिया जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। दोनों ने बात मान लिया और फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। चिड़ा ने सोचा, क्यों घर जाऊं, मैं इस पेड़ पर ही रुक जाता हूं और कल चिड़िया को यह ज़रूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। यह बात सोचकर चिड़ा उस पेड़ पर रुक जाता है। रात में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़े को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वो वहाँ से कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है। ज़्यादा ठंड चिड़ा सहन नहीं कर पाता और उस पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है, चिड़ा उसे कहीं दिखाई नहीं देता। चिड़िया मन ही मन खुश हो जाती है कि मैं जीत गई और आज मैं चिड़े को यह बात कहूँगी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। इंतज़ार करते करते घंटा बीत जाता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा रह कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो देखती है कि चिड़ा वहाँ मरा पड़ा है और बर्फ़ से उसका शरीर जम चुका है। और मरते मरते वह यह लिख गया कि देख चिड़िया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तू तो अपने घर चली गई, मैं तो अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वह बहुत पछताती है कि काश यह शर्त नहीं लगाई होती और ना चिड़ा उसे छोड़ कर जाता। कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि ऐसे ही हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से हम वो रिश्ते तोड़ जाते हैं, उस पर शक करने लगते हैं और कभी कभी तो ऐसी शर्त लगा बैठते हैं कि किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।